आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला रिजर्व डे पर होने जा रहा है। रिजर्व डे यानी आज का दिन, जहां पहले की ही तरह मुकाबले का वक्त भी वही होगा, मैदान भी वही होगा, पर बड़ा सवाल ये कि क्या हालात बदलेंगे। अहमदाबाद के मौसम ने अगर करवट नहीं ली तो क्या होगा? अगर रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? कैसे होगा फिर आईपीएल के नए चैंपियन का फैसला? जिस तरह से बारिश ने आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले को उसके निर्धारित दिन पर धोया है, उसके बाद ऐसे सवाल उठने जायज हैं। 28 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि अहमदाबाद में डेरा जमाए काले बादल बरस पड़े। वो एक बार जो बरसे तो फिर थमे ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि मैच को टालकर रिजर्व डे पर कराने का फैसला करना पड़ा। चेन्नई और गुजरात के बीच होने वाले खिताबी मुकाबले के रिजर्व डे में जाने से ये चौथी बार होता दिखेगा जब आईपीएल का फाइनल रविवार को ना होकर किसी और दिन पर खेला जाएगा। सोमवार को खेले जाने वाला तो ये पहला आईपीएल फाइनल होगा। अब ये फाइनल रिजर्व डे पर हो गया तब तो ठीक है, चेन्नई या गुजरात में से जिसे भी चैंपियन बनना होगा वो बेहतर खेलकर बन सकते हैं। लेकिन अगर रिजर्व डे का हाल भी 28 मई की तरह ही भीगा भीगा रहा तो क्या होगा? क्योंकि मुकाबला तो उसी अहमदाबाद शहर में है। रिजर्व डे पर भी मैच के दौरान बारिश हुई और उसके चलते मैच नहीं हो सका, तो फिर विजेता का फैसला पॉइंट्स टेबल में उनकी रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो भी टीम पॉइंट्स टैली में पहले पायदान पर रही थी उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इस सूरत में गुजरात टाइटंस की बिना खेले भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में पहला नंबर उसी का रहा है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर रही थी। आप कितने एक्साइटेड हैं इस आईपीएल फाइनल को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और आईपीएल के सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।